नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा सातवीं में दोहा अष्टक पढ़ेंगे। दोहा अष्टक में सबसे पहले है कबीर जी, तो उनके बारे में हम जानेंगे। कबीर जी का जन्म 1455 में वाराणसी के पास लहरताल तालाब के पास हुआ था। उनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू है, जो उनके पालक माता पिता है। पत्नी का नाम लोई और उनके जो दो संतान थे उनका नाम था कमला और कमाली। रचनाएं उनकी है बीजक, साखी, सबद और रमेणी। कबीर जी का निधन सन 1575 में मगहर में माना जाता है। यहाँ पर कबीर जी जो है वह 15वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। ये बड़े संत थे, उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की गलतियों को सुधारने का प्रयत्न किया था और अपने दोहे में उन्होंने सबको हिल मिल के रहने का उपदेश भी दिया है। तो आज हम ऐसे ही महान संत कबीर जी के बारे में जानेंगे। कुछ दोहे में आपको कबीर जी के बारे में बता रही हूँ। उन्होंने एक दोहा लिखा है, उस पोथी पढ़ी बड़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, दाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यह दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि पोथी यानी कि पुस्तक, पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पढ़ पढ़ कर तो जग पंडित नहीं हो सका, पंडित भयानक कोई यानी कि कभी पंडित नहीं हो सकता, लेकिन ढाई आखर प्रेम का, ढाई यानी कि अड़ी, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कहना चाहते हैं कि अगर हमको हिल मिलकर रहना है, सभी लोगों के साथ प्रेम से रहना है, तो पुस्तक काम नहीं आता, लेकिन सबके साथ प्रेम से, ढाई अक्षर जो प्रेम का है वही पढ़कर लोग पंडित हो सकते हैं। तो यह बात कबीर जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपने दोहे में बताई है। आगे बताते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यह दोहे में पंडित कबीर जी क्या कहना चाहते हैं कि हम सभी संसार में बसने वाले सभी लोग, जब हमें हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे जीवन में जब कोई कष्ट आता है, तभी हम भगवान को याद करते हैं। इससे आगे हम भगवान को याद नहीं करते। इसीलिए कबीर जी कहना चाहते हैं कि दुख में तो सब सुमिरन करते, यानी कि दुख में तो भगवान को सब याद करते हैं, लेकिन सुख में कभी कोई याद नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करे, यानी कि जो सुख में भी हम भगवान को याद करें, तो किसी व्यक्ति के जीवन में कभी दुख की छाया नहीं रहती। तो इस प्रकार हमने दोहे देखे कबीर जी के, कि कबीर जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है कि मनुष्य को सभी प्रकार की वर्तन करने चाहिए। और यहाँ पर हमने देखा कि भगवान के बारे में भी उन्होंने बताया कि चाहे हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, सभी परिस्थिति में हमें भगवान को याद करना चाहिए। तो ऐसे ही महान कवि जो संत कबीर जी थे, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जितने भी संत थे, कबीर जी, तुलसीदास, रहीम जी, सभी संतों ने अपने दोहे में एक ही उपदेश दिया है कि हर एक मनुष्य को हिलमिल के रहना चाहिए और एकता की भावना रखनी चाहिए। अब हमारे अभ्यासक्रम के दोहे हम देखेंगे। कबीर जी के सबसे पहले दोहे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। विद्यार्थी मित्रों, यह दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। आपने खजूर का पेड़ तो देखा ही कि कितना ऊंचा होता है, बड़ा होता है, लेकिन वह कभी किसी से किसी को काम आता नहीं है। यह खजूर के वृक्ष की जो तुलना होती है ना, वह बड़े लोगों के साथ की है। कबीर जी ने क्या कहना चाहते कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का वृक्ष जितना भी ऊंचा हो, जितना भी बड़ा हो, लेकिन कभी वह किसी को फल और छाया नहीं दे सकता। उसका फल भी बहुत यानी कि अति दूर लगता है। ऐसे ही बड़े लोग जो पैसे वाले लोग होते हैं और बड़े लोग होते हैं, उनका भी कुछ ऐसा ही होता है समाज में। उनके पास धन संपत्ति तो बहुत होती है, उसके पास ज्ञानी लोग होते हैं, उनके पास ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जो कभी किसी से काम नहीं आते। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे कबीर जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गही रहे थोथा देह उड़ाए। यहाँ पर कबीर जी क्या कहते हैं, साधु के स्वभाव के बारे में उन्होंने बताए। आज के समय में हम देखते हैं कि साधु जो होता है, वह हम देखते हैं कि छल कपट वाला होता है, या कोई ढोंग करता है, या कोई किसी भी परिस्थिति में अपना स्वार्थ ही देखता है। लेकिन यहाँ पर कहना कबीर जी क्या चाहते हैं कि साधु जो होता है, उसका स्वभाव जो होता है, प्रकृति जो होती है, वह सूप के जैसी होनी चाहिए। सूप यानी हम गुजराती में जो सुपड़ा बोलते हैं उसे। तो सूप का काम क्या होता है कि अनाज, अच्छा अच्छा अनाज जो होता है, उसे अपने अंदर ग्रहण करता है, और जो खराब यानी कि खराब चीज़ जो होती है, उसे बाहर निकाल फेंक देता है। तो सूप का काम इसी प्रकार का होता है। तो उसी प्रकार साधु का स्वभाव भी सूप जैसा होना चाहिए। वह अपने अंदर अच्छी अच्छी बातों को ही ग्रहण करे, ज्ञान को ही ग्रहण करे, और अपने अंदर की जो खराब आदतें जो होती है, वह उसे बाहर निकाल दे। सार सार को गही रहे थोथा देह उड़ाई। थोथा यानी कि पुस्तक। पुस्तक में से अच्छी अच्छी बातों को ही अपने अंदर ग्रहण करनी चाहिए, और खराब बातों को और खराब आदतों को अगर हमारे अंदर हो तो वह उसे फेंक देनी चाहिए। तो साधु पुरुष का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगर वह संसार में जगत के लोगों को उपदेश देना चाहे तो वह अच्छी बातों का, अच्छी ज्ञान का ही दे। उसके अंदर जो कोई खराब व्यवहार हो, खराब आदत हो, तो उसे वह बाहर निकाल देना चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रियो लपटाए, हाथ मले और सिर दुने लालच बुरी बला। यहाँ पर कबीर जी ने लालच को बुरी बला बताया है। किस प्रकार? तो यहाँ पर उन्होंने मक्खी यानी कि माखी का उदाहरण दिया है। आपने देखी है माखी कि जो मिठाई होती है उस पर, या गुड़ जो होता है उस पर हम माखी को देखते हैं, तो उसको गुड़ खाने की लालच होती है, इसीलिए वह क्या करती है, गुड़ पर बैठती तो है, लेकिन उनका यानी कि माखी का जो पैर होता है और पंख जो होता है, वह गुड़ में लपटाई जाता है, वह बाहर निकलती नहीं निकल सकती, क्योंकि उसको गुड़ खाने की लालच होती है। लेकिन उसे नहीं पता कि वह गुड़ पर बैठती है तो उसकी जो पंख होती है, उसके जो पैर होते हैं, वह चिपक जाते हैं गुड़ में, वह फिर बाहर नहीं निकल सकती। हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बला। क्या कहते कि फिर जितनी भी कोशिश कर ले माखी, हाथ मले यानी कि जितना भी हाथ पैर अला ले, हाथ पैर जो होते हैं
वह जितना भी प्रयत्न कर ले बाहर निकलने का, अपना जो सिर होता है वह ढूंढ ले, लेकिन फिर भी वह बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि उसको गुड़ खा लेने की लालच होती है। उसी प्रकार यह उदाहरण पर से हमें यह सीख मिलती है, संसार के लोगों को कबीर जी ने यह सीख दी है कि हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो लालची होते हैं। किसी लोगों को पैसों की लालच होती है, कोई और लालच भी होती है, तो उसी प्रकार लालच में आकर उनके पास बहुत सारा धन होने के बावजूद भी, बहुत सारा कुछ ऐसी चीज़ें होने के बावजूद भी, वह अपने स्वभाव में इतनी, उनके स्वभाव में इतनी लालच भरी होती है कि वो कोई ऐसे ही खराब कार्य कर बैठते हैं और फिर बाद में पीछे से पछताने की नौबत आती है। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर कबीर जी के हमने तीन दोहे देखे, तो तीनों दोहे में उन्होंने हमें अच्छी तरह से सीख दी है कि पहले दोहे में हमें देखा कि खजूर का वृक्ष का उन्होंने उदाहरण दिया है, तो यह दोहे पर से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि हमें हमारे जीवन में जितनी भी संपत्ति हो, धन संपत्ति हो, जितने भी बड़े लोग बन जाए, लेकिन कभी किसी की मदद करने से पीछे हटना नहीं चाहिए। हमें खजूर के वृक्ष के जैसा नहीं, हमें हर एक व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। दूसरे दोहे में हमने देखा कि हमारा स्वभाव भी साधु पुरुष जैसा ही होना चाहिए, यानी कि अच्छी बातों को ही हमारे अंदर ग्रहण करना चाहिए और खराब आदतों और खराब संस्कारों हमारे अंदर से फेंक देना चाहिए। आगे के दोहे में हमने देखा कि कबीर जी ने कहा है कि कभी भी हमारे जीवन में लालच करनी चाहिए नहीं, और अगर लालच करते हैं तो माखी की तरह हम भी फंस जाते हैं और फिर हमें कोई बाहर निकालने वाला नहीं होता। तो विद्यार्थी मित्र, आपको भी कबीर जी के ऐसे दोहे खोज निकालने हैं और आपके बुक में लिखने होंगे। अब हमने यह महान संत कबीर के बारे में तो जाना, अब हमारे आगे के जो संत है, महान संत है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का परिचय हम देखें तो उनका जन्म 1532 में राजापुर में हुआ था और उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी। उनके जो गुरु थे वह बाबा नरहरिदास थे और पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, साथ ही साथ उन्होंने कवितावली और गीतावली भी रचना की थी। तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं, उन्हें राम भक्त भी कहा जाता है और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन के उद्धार के लिए रामचरितमानस नाम का ग्रंथ की रचना की थी। तुलसीदास जी एक बड़े ही महान संत थे। उन्होंने, वह जाति से तो ब्राह्मण माने जाते थे और कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति को जीवन में कोई गलती से ही सीख मिलती है, उसी प्रकार तुलसीदास के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपको उनकी एक छोटी सी बात बता रही हूँ। तुलसीदास की पत्नी जो थी रत्नावली, वह दिखने में बहुत ही सुशील और सुंदर थी। तुलसीदास संत तो थे, लेकिन यहाँ पर अपनी पत्नी को भी वह उतना ही प्रेम करते थे। यहाँ पर एक दिन क्या हुआ कि तुलसीदास की पत्नी जो थी वह अपने मायके जाती है। तुलसीदास अकेले अपने घर पर रहते हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा प्रेम करते थे कि वह उनके बिना नहीं रह सकते थे। रात के समय वह नदी पार करके अपनी पत्नी को मिलने के लिए रात के समय वह अपनी पत्नी के मायके निकल पड़े। उनकी पत्नी ने उन्हें कठोर शब्द में जवाब दिया कि हम तो मनुष्य है,
और मनुष्य जाति को हमेशा संयम में रहना चाहिए। और उन्होंने कहा, समझाया कि आप जितना प्रेम मुझे करते हैं उतना प्रेम अगर आपने भगवान से किया होता तो आपका उद्धार हो जाता। ऐसे कठोर शब्द जब तुलसीदास ने अपनी पत्नी के मुंह से सुना तब से तुलसीदास का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें लगा कि अब मेरे जीवन में भगवान के अलावा कोई स्थान किसी और का नहीं हो सकता। ऐसे कठोर शब्द सुनकर तुलसीदास ने अपने जीवन में उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की थी और तब से लेकर आज तक उन्होंने सब कुछ त्याग करके उन्होंने केवल भगवान में ही रस लिया। तो उसी प्रकार ऐसे महान संत कवि तुलसीदास के बारे में हमने उनके जन्म के बारे में जाना, तो आज हम उनके आगे के दोहे देखते हैं। उन्होंने एक दोहे में खूब ही अच्छा कहा है कि आवत ही ये हरसे नहीं नैनन नहीं सने तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। यह दोहे में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि आवत ही ये हरसे नहीं, हिये यानी कि हृदय। उनकी जो दोहे की जो भाषा है वह बहुत ही कठोर है। हिये यानी कि हृदय क्या कहते हैं कि आवत, जिसके आने से हमारे हृदय में खुशी नहीं होती, आंखों में स्नेह नहीं होता, उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। फिर भले ही व्यक्ति वह हमारे लिए कंचन यानी कि सोने की बरसात करे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के घर कभी नहीं जाना चाहिए जिससे हमारे जाने से उनके हृदय में खुशी न हो और उसकी आँखों में हमें सुख न यानी कि प्रेम न देखने को मिले। आपको पता है कि अतिथि यानी कि मेहमान भगवान का रूप होता है। अगर हमारे घर पर भी कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है, तो हम खुश हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान अतिथि का रूप होता है और हम उनकी अच्छी तरह से आगता स्वागता भी करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उनके घर आता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे लोगों के बारे में उन्हें तुलसीदास ने कहा है कि कभी भी फिर पीछे से यह व्यक्ति जितनी बार भी सोने की बरसात करे लेकिन हमारे आने से उनके चेहरे पर खुशी न देखने को मिलती हो तो ऐसे लोगों के घर कभी जाना चाहिए नहीं। तो ऐसे ही महान संत तुलसीदास के बारे में आज हम जानेंगे। उन्होंने हमारे अभ्यासक्रम में भी बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं। यहाँ पर तुलसीदास ने अपने दोहे में कहा है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजोग। आगे हमने देखा कि कबीर जी ने भी किसी न किसी चीज के उदाहरण देकर हमें समझाया था। उसी प्रकार तुलसीदास ने भी हमें नदी और नाव का उदाहरण दिया है। क्या कहना चाहते कि तुलसीदास कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तो भांति भांति यानी कि कई अलग अलग तरीके लोग जो होते हैं वह बसते हैं, लेकिन हमें सभी के साथ हिल मिल के रहना चाहिए क्योंकि कभी भी किसी भी व्यक्ति की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी प्रकार एकता की भावना रखकर हिल मिलकर रहने की यह पर तुलसीदास ने हमें उपदेश दिया है। उसका उदाहरण उन्होंने नदी और नाव का दिया है। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि नदी अगर हमें यह किनारे से उस किनारे से किसी और किनारे पर यानी कि दूसरे किनारे पर जाना होता है तो हमें नाव की ज़रूरत होती है, तो हम नाव के बिना नहीं जा सकते। उसी प्रकार नदी के बिना नाव भी नहीं चल सकती। तो उसी प्रकार दोनों एक दूसरे से पूरक है। नदी के बिना नाव काम नहीं आती और नाव के बिना नदी काम नहीं आती।
उसी प्रकार हमें भी सभी लोगों के साथ संसार में हिलमिल कर रहने की यहाँ पर तुलसीदास ने हमें उपदेश दिया है। आगे कहते हैं कि तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। यहाँ पर कहना चाहते हैं तुलसीदास जी कि गरीब जो लोग होते हैं उनकी हाय जो होती है वह कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं वह बहुत ही कठिन परिस्थिति से निकलते हैं। उनका जो गुजरान चलाना होता है वह बहुत ही कठिन होता है, उनको खाने पीने की तकलीफ होती है, बहुत ही वह कष्ट में रहते हैं। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर जो भले लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो लोग या कोई भी लोग अगर गरीब व्यक्ति को बिना निर्दोष व्यक्ति को बिना ही कोई कारण सर अगर उन्हें हैरान परेशान करते हैं तो उनकी अगर हाय लगती है तो वह कभी खाली नहीं जाती, और उनकी हाय लगने से हमारे जीवन में कुछ खराब होता है। तो इसीलिए यह तुलसीदास कहते हैं कि कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति हो या कोई गरीब व्यक्ति हो उसे परेशान करना नहीं चाहिए। उसका उदाहरण उन्होंने मुए ढोर के चाम के साथ की है। चाम यानी कि चमड़ा, जो मरे हुए ढोर का जो चमड़ा होता है उससे उनकी तुलना की गई है कि मुए यानी कि मरे हुए ढोर से, ढोर के चमड़े से लोहा भी भस्म हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार जो गरीब की हाय होती है वह लोहे की तरह होती है, वह अन्य व्यक्ति को भस्म भी कर सकती है, उनके जीवन में खराबियां भी आ सकती है। तो इसी प्रकार तुलसीदास के दोहे हमने यहाँ पर देखे, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया है कि अपने दोहे में उन्होंने कहा है कि हमें हर हमेशा सबके साथ हिलमिल कर रहना चाहिए, कभी भी किसी के साथ बिगड़ना चाहिए नहीं। उसी प्रकार कभी कोई निर्दोष व्यक्ति या गरीब व्यक्ति को कोई अन्य कारणों से परेशान करना भी नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार हमने कबीर के दोहे देखे, तुलसीदास के दोहे देखे। अब है आगे के जो संत, महान संत है संत रहीम जी। यहाँ पर हम देखें कि संत रहीम जी का पूरा जो नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। पिता बैरम खान थे और माता सुल्ताना बेगम। उनकी पत्नी का नाम था महबानो। यहाँ पर तीनों संत बड़े ही अनुभवी और उदार माने जाते हैं। यहाँ पर संत रहीम जी बड़े ही उदार और अनुभवी संत माने गए हैं। इन्होंने भी अपने सुंदर दोहे की, यहाँ पर हमारे सामने सुंदर दोहे की रचना की है। अब संत रहीम जी के अन्य दोहे में आपको बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग। देखिए कि रहीम जी ने भी अपने दोहे में बहुत ही सख्त भाषा का उपयोग किया है। अन्य यहाँ पर कहना चाहते हैं रहीम जी कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, यहाँ पर उत्तम प्रकृति का व्यक्ति यानी कि अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति के बारे में उन्होंने बात की है। उत्तम स्वभाव वाला जो व्यक्ति होता है उन्हें कोई कुसंग परेशान नहीं कर सकता। यहाँ पर चंदन जो होता है उसकी तुलना अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ की है। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसे किसी भी बुरा या कुसंग छू नहीं सकता। उसी प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग, भुजंग यानी कि सांप,
चंदन का जो वृक्ष होता है उसके ऊपर अगर सांप लिपट रहे लेकिन फिर भी चंदन के वृक्ष से वह विष यानी कि जहर लगा नहीं सकता, क्योंकि चंदन का वृक्ष जो होता है वह पवित्र होता है, अच्छा होता है, तो सांप का जहर उससे कुछ नहीं कर सकता। उसी प्रकार अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति का भी कुछ ऐसा ही होता है। अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति भी जितना भी बुरे लोग उनको बुरा बनाने का प्रयत्न करे, लेकिन अच्छा स्वभाव जिनका होता है वह बुरी संगत कभी नहीं ले सकता। इसी प्रकार यहाँ पर रहीम जी ने अपने दोहे में बहुत अच्छी तरह से हमें सीख दी है कि हमें भी हमारे जीवन में भी अगर मित्र बनाने हो, दोस्त बनाने हो, अगर हमारा मित्र कोई खराब हो या खराब संस्कारे वाले हो तो वह हमारे अच्छे संस्कार से उनमें बदलाव आना चाहिए, लेकिन उनका जो खराब स्वभाव होता है, उनकी जो खराब आदतें होती है, हमें उसे ग्रहण करना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार रहीम जी ने भी बहुत अच्छी तरह से हमें बताया है। आगे हम रहीम जी के दोहे के बारे में जानेंगे। उन्होंने आगे भी बहुत अच्छी तरह से दोहे लिखे हैं। कहते हैं रहीम जी कि रहीम न धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। देखिए रहीम जी ने भी बहुत अच्छी तरह से संसार के लोगों को सीख दी है। कहते हैं कि रहीम न धागा प्रेम का, धागा यानी कि दोरा, मत तोड़ो चटकाए, कभी भी उसे तोड़ना चाहिए नहीं। प्रेम का जो धागा होता है उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर जो प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो टूटने से उसके बीच गांठ पड़ जाती है। यह दोहे पर से रहीम जी हमें समझाना चाहते हैं कि हमारे जो संबंध होते हैं, हर एक व्यक्ति को हिल मिल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए, सभी व्यक्ति के साथ प्रेम से रहना चाहिए। यह बात उन्होंने अपने दोहे में समझाई है। कहते हैं कि प्रेम का धागा जो होता है वह एकदम नाजुक होता है, अगर वह एक बार जो टूट गया तो फिर जुड़ता तो है, लेकिन जुड़ने से पहले जैसे संबंध नहीं रहते और जुड़ने से उसमें गांठ पड़ जाती है। फिर बाद में हर एक व्यक्ति का जो संबंध होता है वह अच्छा तो होता है, लेकिन अच्छा होता है लेकिन पहले जैसा अच्छा नहीं रहता। उसी प्रकार रहीम जी ने यह इस दोहे में हमें कहना चाहते हैं, रहीम जी कहना चाहते हैं कि अगर एक बार प्रेम का जो धागा होता है वह जुड़ा तो होता है, लेकिन अगर टूट जाता है तो हम उसे जोड़ नहीं सकते। आगे रहीम जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पियो न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजानी। यहाँ पर कहना चाहते हैं कबीर जी कि तरुवर यानी कि वृक्ष जो होता है वह कभी अपना फल नहीं खाता, सरोवर यानी कि सरोवर नदी वह कभी भी अपना पानी नहीं पीते। तो यहाँ पर रहीम जी कहना चाहते हैं कि कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजानी। यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं कि पर काज यानी कि दूसरों के हित के लिए अपनी जो संपत्ति जो है वह चुका देनी चाहिए। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारे पास अगर ज्ञान का भंडार हो, संपत्ति का भंडार हो, तो हमेशा दूसरों को देना चाहिए और हमेशा दूसरों में ही खर्च करना चाहिए, क्योंकि तरुवर और उसका उदाहरण हमें तरुवर और नदी से दिया गया है। तरुवर के पास यानी कि वृक्ष के पास जितने भी फल होते हैं, लेकिन फिर भी वह क्या करता है, वृक्ष जो होता है, पेड़ जो होता है, जितनी बारिश हो, तूफान हो या आंधी हो या
फिर भी धूप हो, लेकिन फिर भी वह तकलीफ तो वृक्ष सहन करता है, लेकिन तकलीफ वृक्ष सहन करने के बाद भी फल वह किसे देता है? दूसरों को देता है, वह खुद अपना फल नहीं खाता। उसी प्रकार नदी देखिए, सरोवर देखिए, उसके पास पानी तो बहुत सारा होता है, लेकिन फिर भी वह खुद पानी नहीं पीता। वह पानी जो होता है दूसरों को ही प्यास बुझाने के लिए काम आता है। तो उसी प्रकार रहीम जी हमें कहना चाहते हैं कि हमारा स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि कभी भी हमें स्वार्थ में न आकर हमारी संपत्ति का, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमारी संपत्ति का उपयोग भी दूसरों के लिए ही करना चाहिए। आगे रहीम जी कहते हैं कि रहीम दे देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। यहाँ पर सुई और तरवार का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर रहीम जी कहना चाहते हैं कि रहीम न देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी। क्या कहते कि बड़े यानी कि बड़े लोगों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बहुत ही धन संपत्ति होती है, तो वह यानी कि गरीब या छोटे लोगों की उपेक्षा करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सुई और तलवार का उदाहरण उन्होंने इसीलिए दिया है कि जिस काम में सुई काम आती है उसी जगह तलवार काम आती नहीं, क्योंकि सुई का काम क्या होता है? जो फटा हुआ होता है उसे जोड़ने का काम होता है, और तलवार का काम क्या होता है? उसे अलग करना। तो उसी प्रकार सुई भले ही छोटी होती है लेकिन फिर भी वह जोड़ने को काम आती है, लेकिन तलवार जोड़ने को काम आता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर रहीम जी कहना चाहती है कि कभी भी बड़े को देखकर या बड़े लोगों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर छोटे लोग काम आते हैं उसी जगह पर बड़े लोग काम आते नहीं है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्र, आपने संत कबीर, संत तुलसी और संत रहीम जी के दोहे पढ़े। अब आपको भी आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह से कोई नए दोहे खोजकर आपकी बुक में लिखने हैं। विद्यार्थी मित्र, आगे के सप्ताह में हमने सर्वनाम के प्रकार के बारे में जाना था। सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम का जो प्रथम जो भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद थे, मध्यम पुरुष सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम और उत्तम पुरुष सर्वनाम, जो हमने आगे के सप्ताह में देखा था। अब हम आगे का जो भेद है निजवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में हम जानेंगे। निजवाचक सर्वनाम यानी कि वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करने वाले सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते। यानी कि जो सर्वनाम वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करे, निकटता प्रकट करे, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है कि वह खुद यहाँ आएगा, तो वह खुद यहाँ आएगा, तो वह और यह शब्द के बीच मैंने यहाँ पर खुद शब्द का प्रयोग किया है, तो खुद यह शब्द निजवाचक सर्वनाम हुआ, क्यों? कि वह दोनों के साथ निजता प्रकट करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि चींटी स्वयं दाने जमा करती है। चींटी दाने स्वयं यहाँ पर क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम हुआ, यानी कि चींटी और दाने के बीच की जो निजता यानी कि जो निकटता बताने वाला वह शब्द है वह स्वयं है, तो इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। तो विद्यार्थी मित्र, हमने देखा कि जो सर्वनाम
निकटता यानी कि निजता संज्ञा या सर्वनाम के साथ निजता प्रकट करे उसे निजवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। सर्वनाम का आगे का जो भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है चौकस। तो यहाँ पर जिस सर्वनाम के द्वारा पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते। कोई भी वस्तु हम दो विभाग में बांट सकते, निश्चित या अनिश्चित। कोई चौकस या स्थान हो या चीज हो या कोई भी अन्य हो तो उसे चौकस रूप से हमें अगर बताना होता है तो वहाँ पर हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें कुछ पता नहीं, जिस स्थान के बारे में अगर कुछ पता नहीं होता, जिस वस्तु या चीज के बारे में हमें कोई पता नहीं होता तो उसका सिर्फ हम अनुमान ही कर सकते हैं तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कह सकते। तो हमने यहाँ पर देखा कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति का जिसे हम बोध कर रहे हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पर यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है कि यह कोकिला की किताब है। यहाँ पर मैंने लिखा कि कोकिला की किताब है तो यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा है कि कोकिला। किताब तो है लेकिन किसकी? कोकिला की। तो यह निश्चित चीज हुई, किसी और की नहीं है। यह किताब कोकिला की है यानी कि यह निश्चित हुआ। वह मेरा पड़ोसी है तो वह पड़ोसी तो है लेकिन किसका? वह मेरा पड़ोसी। यह निश्चित रूप से बताया गया है, चौकस बताया गया, इसीलिए यह भी निश्चित हुआ। आगे हम देखें कि सर्वनाम का आगे का जो प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों एक दूसरे से पूरक होते हैं। अनिश्चय यानी कि ये सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराती। और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? यह सर्वनाम कोई चौकस या निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि कोई चौकस यानी कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हैं, दरवाजे पर कोई खड़ा है। तो यहाँ पर कोई शब्द मैंने, यहाँ पर आपने देखा कि कोई शब्द के नीचे मैंने लाइन किए तो कोई यानी कि हमें पता नहीं है कि कौन खड़ा है लेकिन कोई खड़ा है, इसीलिए यह अनिश्चित हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। प्रीति के पास कुछ तो है। कुछ तो यानी कि हमें पता नहीं कि प्रीति के पास क्या है लेकिन कुछ तो है, यह हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। तो मतलब यह हुआ कि अनिश्चय, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं तो उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते। तो विद्यार्थी मित्र, आपने आज निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में जाना। अब आपको ज़्यादा उदाहरण आपकी बुक में लिखने होंगे तीनों प्रकार के।